नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लोकसभा चुनाव से पहले मोहन सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर कई आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इस सूची में इंदौर की निगम आयुक्त हर्षिका सिंह का नाम भी शामिल है। उनका ट्रांसफर कर उन्हें मध्य प्रदेश कौशल विकास का संचालक बनाया गया है। वहीं इंदौर के नए निगम आयुक्त शिवम वर्मा होंगे। वर्मा गुरुवार को खजराना गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए, इसके बाद उन्होंने पदभार संभाला। मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापक प्रशासनिक सर्जरी की है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए। 37 आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी हुए हैं। सूची में इंदौर की निगम आयुक्त हर्षिका सिंह का नाम भी शामिल है। उनका ट्रांसफर कर उन्हें मध्य प्रदेश कौशल विकास का संचालक बनाया गया है। वहीं इंदौर के नए निगम आयुक्त शिवम वर्मा होंगे। वर्मा गुरुवार को खजराना गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए, इसके बाद उन्होंने पदभार संभाला। वर्मा अब तक नगरीय प्रशासन व विकास विभाग भोपाल में अपर आयुक्त थे, जहां वे निगम आयुक्त पद के साथ ही मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड की अपर प्रबंध संचालक अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वर्मा 2013 बैच के आईएएस होकर श्योपुर में कलेक्टर पद भी संभाल चुके हैं। वहीं अप्रैल 2023 से निगम आयुक्त पद संभाल रही हर्षिका सिंह की शुक्रवार को विदाई हो गई। उन्हें भोपाल में कौशल विकास संचालक बनाया है। पदभार ग्रहण के बाद शिवम वर्मा ने कहा कि वो इंदौर नगर पालिका निगम की प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। शिवम वर्मा ने शुक्रवार रात को पदभार संभाला, जबकि निगम के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ये जो प्रतिष्ठा मिली है, हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। आप सब लोग हैं और इंदौर नगर निगम की टीम भी बहुत अच्छी है। स्वच्छता में हम निरंतर अच्छा कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा स्वच्छता को हम आगे इसको बनाए रखें, और जो भी शासन की जो और प्राथमिकताएं हैं विकास की जो कार्यों की, उन सबको हम लोग और आगे अच्छा करें। अपने इंदौर के सम्मानित नागरिकों को हम लोग बेहतर सुविधाएं दे पाए, ये हम लोग का ध्येय रहेगा और इसमें हम लोग अच्छे से काम भी करेंगे आगे। कितना चैलेंजिंग मानते हैं इंदौर को? इंदौर क्योंकि बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। नहीं, बिल्कुल चैलेंजिंग है, लेकिन खजराना महाराज जी के दर्शन किए, उनसे मैंने यही मांगा है कि मुझे शक्ति दें, हम लोग अच्छा काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी टीम और इंदौर के सम्मानित नागरिक, इन सभी के सहयोग से हम लोग अच्छा काम करेंगे। सर, खजराना से यहाँ तक जिसे भी आप आए हैं तो ट्रैफिक की व्यवस्था भी देखिए, कैसा आगे क्या प्लान? नहीं, देखिए बिल्कुल सही है इसको, लेकिन इसको अभी इस तुरंत स्तर पे कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल इसके कुछ प्लान्स हैं। हम लोग जैसे किस प्रकार से, अभी चूंकि मेरे लिए भी रोड्स का नेटवर्क जो इंदौर का, उसको समझूंगा मैं कि किस प्रकार से हम लोग डाइवर्जन कर सकते हैं। इसमें ट्रैफिक पुलिस का, माननीय कलेक्टर सर का, सबका, सबके मार्गदर्शन में फिर जब काम करेंगे तो निश्चित नए सोल्यूशन निकल कर आएंगे। आप लोगों के साथ बैठेंगे, जो हमारे नागरिक हैं उनसे हम लोग सुझाव मांगेंगे, तो मेरे ख्याल से बेहतर सुझाव निकलेंगे और हम लोग अच्छा प्लान कर पाएंगे। सर, यहाँ सब चुनाव की व्यवस्थाओं का संचालन भी एक टास्क है सर जी, उसके लिए सर क्या पूरी? नहीं, बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमको है कि लोकसभा की निर्वाचन की एमसीसी लगेगी, तो जो चुनाव आयोग के जो निर्देश होते हैं वो बड़े क्लियर होते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर। सर, वित्तीय स्थिति काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, ई नगर पालिका पोर्टल भी बंद है आपकी जी? नहीं, देखिए मुख्यालय से हैं आप तो बाकी फेम चीज़ नहीं। देखिए, ई नगर पालिका पोर्टल के बारे में बताऊँगा कि ई नगर पालिका पोर्टल पर जब अटैक हुआ तो उसके बाद लेकिन चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, और अभी भी लेकिन कुछ समस्या ऐसे ये लगातार आती है कि कुछ प्रॉपर्टी आईडीज को दिखती नहीं है उस पर, तो हम लोग निरंतर एक उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो उस पर आपको क्या काम करना है और डेटा वहीं पर है उसको किस प्रकार रिट्रीव करना है ताकि वो आईडी दिखे। हम लोग उसके लिए संचालय के संपर्क में भी हैं और इसको हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे। रही बात वित्तीय स्थिति की, वित्तीय स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी के प्रयासों से निरंतर हमारी इम्प्रूव हो रही है, और मेरा मानना है कि हम लोग भी जैसे अभी नए जो निर्देश शासन ने निकाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश द्वारा जो कंपाउंडिंग के लिए नए निर्देश हुए हैं, तो मेरा मानना है कि हम लोग उस पर अभियान चला के जब करेंगे तो राजस्व वसूली भी नगर निगम की आय बढ़ेगी और अपने अपने राजस्व की वसूली बेहतर करके हम प्रयास करेंगे कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक रहे और हम लोग आगे अच्छा काम करें। क्या आचार संहिता के दौरान कंपाउंडिंग का कैंपेन चल पाएगा? ये हम लोग प्रावधान देख लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एक रूटीन प्रक्रिया होनी चाहिए, इस पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी हम ये कार्य करेंगे उसके पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन के निर्देशों को अध्ययन करके ही उसके बाद ही करेंगे। अभी इंदौर जॉइनिंग के पहले आपने आज दोपहर में भोपाल में ही इंदौर के विकास की बैठक में भाग लिया है, जिन प्राथमिकताएं आपने तय की हैं? देखिए, जो शासन की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं भी रहेंगी, और उन प्राथमिकताओं को पूर्ति करते हुए अपने इंदौर के सम्मानित नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दे पाना, ये हमारा ध्येय है, उसी पर काम करेंगे। और आने वाले टाइम में इसकी कार्य योजना भी बनाएंगे, आप लोगों से भी इनपुट लेंगे और हम लोग उसमें बेहतर प्लान बना के बेहतर ध्यान। मीटिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट पर आज चर्चा हुई? खासकर इंदौर में नहीं, इंदौर का एक्चुअली बृहद समीक्षा थी वो, उसमें
कई दीगर विभाग PWD मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नगर निगम TNCP सभी के साथ चर्चा हुई थी और उसमें इंदौर के विकास की ही बातें हुई हैं और मेरे ख्याल से उसका माननीय विभागीय मंत्री जी ने उसके लिए एक प्रेस ब्रीफिंग भी की है उन्होंने सारी चीज़ें बताई भी है क्या क्या चीज़ें हुई हैं और हम लोग उन्हीं के निर्देशों पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।